हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फूडी रेसलिंग चैनल। आज मन कर रहा था, बाहर बारिश भी हो रही है, तो आज सोचा कुछ पकोड़े टाइप बनाया जाए। तो पकोड़े के लिए सब्जी तो अवेलेबल नहीं थी हमारे पास, आलू थे और ब्रेड पड़ी थी। तो चलो हमने सोच लिया कि ब्रेड पकोड़े ही बनाए जाएं। तो अब हम आपको बनाना सिखाएंगे ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े के लिए हमने सबसे पहले आलू को बॉईल कर लिया है, बॉईल करके उनको उनकी स्किन उतार के अब मैश कर लिया अच्छे से। इसको अच्छे से मैश कर लें। लीजिए हमने आलू को कर दिया मैश। टेस्टी टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए आपको वीडियो ये आखिरी तक देखनी पड़ेगी। अब आलू मैश हो गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। कोशिश करना प्याज है जो वो फाइनली चॉप्ड हो। उसको चॉप करने के प्याज ऐड करने के बाद हमने ऐड किया धनिया और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हमने ऐड की लाल मिर्ची। मिर्ची अपने अनुसार रखें, मुझे तो तेज पसंद है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है मिर्ची के साथ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐड करें गरम मसाला अपने स्वाद अनुसार, कि आपको मसालेदार पसंद है कि थोड़ा कम पसंद है। फिर स्वाद अनुसार नमक, नमक कम हो चलता है, तेज़ हो जाए नहीं चलेगा। फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा चाट मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस, कि मसाला जो है हर जगह लग जाए। ये देखिए हमने सारे मसाले और जो हमारा प्याज है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताने ही भूल गया, हम बना रहे हैं कोई आम ब्रेड पकौड़ा नहीं, पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा। तो उसके लिए हमने पनीर भी काट के रख लिया साइड पे। लो जी हमारा पनीर और जो आलू की वो फिलिंग है वो आप दोस्ती करने की कोशिश करें, थोड़ी देर इनको मिलने देते हैं। आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो ब्रेड पकौड़े में यूज होता है वो लेके आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमने वो अब ला ली है, क्या है वो देखिए, ब्रेड। इसके बिना तो ब्रेड पकौड़ा बन ही नहीं सकता हमारा। तो अब हमारी ब्रेड भी रेडी है, हमारी फिलिंग भी रेडी है, अब इसका बनाते हैं ब्रेड पकोड़े का बैटर। ब्रेड पकोड़े के साथ या किसी भी तरह के पकोड़े के साथ जो हमारी सबसे कॉम्प्लीमेंट्री चीज क्या होती है, जो सबसे ज्यादा पी जाती है, चाय। चाय तो कैसे भूल सकते हैं हम, साथ में चाय भी चढ़ाई हुई है और ब्रेड पकोड़े के साथ खाएंगे पियेंगे हम चाय, चा। अब बैटर के लिए हमने बाउल में ले लिया है प्यारा प्यारा बेसन। अब बैटर तैयार करने के लिए बेसन में सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन। इसके बहुत सारे फायदे हैं आपको पता ही होगा, फ्राई खाने को ये पचाने में भी काम करता है, नहीं तो आप गोली तैयार कर लें अपने लीजिए, वो वाली गोली नहीं दूसरी गोली टेबलेट। अब डालिए इसमें मिर्ची, साथ में डालिए नमक स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। मिक्स करने के बाद अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से गोलें कि इसमें किसी तरीके का कोई लम्ब या कुछ ना रहे, कि जितना बैटर स्मूद होगा उतना हमारे ब्रेड पकौड़े के लिए अच्छा है। फिर इसको ब्रेड पकौड़े को इसमें हम बाथ दिलवाएंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी है, इस इतनी कंसिस्टेंसी होती है बैटर की। तो अब हम बनाते हैं ब्रेड पकौड़े की तैयारी शुरू करते हैं। तो जी अब हमने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड में अपने हिसाब से आप फिलिंग लेके ब्रेड में फिल करिए उसको पहले अच्छे से, जितनी ज़्यादा फिलिंग होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बाहर थोड़ा ना खा रहे हैं हम, अपने घर पर खा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। ये फिलिंग हमने रख ली, फिलिंग के ऊपर अब सेंटर में हम रखेंगे पनीर, एक पनीर रख के अब इसको ब्रेड को कवर कर देंगे ऊपर से वापस। इसको अच्छे से दबा लेंगे थोड़ा सा, दबाने के बाद इसको हम अब लेके जाएंगे बैटर की तरफ। हमने ऑयल ले लिया रिफाइंड ऑयल, उसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है प्रॉपर। इसको तो कोशिश करना कि जितना गर्म रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने इसको प्रॉपर गर्म कर लिया। अब इसको हम अपने ब्रेड पकौड़े को डिप करेंगे इसके अंदर बैटर में। लो जी इसको दिला दी हमने एक अच्छी सी बात, नहा रहा बेचारा, बाहर आने की नाम नहीं ले रहा। ज़्यादा डिप मत करना नहीं तो पिघल जाएगा ये बीच में ही, टूट जाएगा, पिघल नहीं जाएगा। तो आप अपने हिसाब से रखें, अब इसको डायरेक्ट यहाँ से फ्राई करने के लिए ऑयल बाथ में डाल दीजिए। इसको अच्छे से ऑयल बाथ लेने दीजिए एक तरफ मिनिमम 1 से 2 मिनट, फिर दूसरी तरफ ऑयल बाथ लेने दीजिए 1 से 2 मिनट, फिर दोनों तरफ चेक कर लीजिए कि डन हो गया है कि नहीं हुआ। अगर डन हो गया तो निकाल लीजिए, नहीं हुआ तो थोड़ी देर और पकने दीजिए। अब 1 से 2 मिनट के बाद देखते हैं क्या होता है। हमने टर्न कर रहे हैं इसको, ये देखिए एक साइड से डन हो गया, अब दूसरी साइड इसको 1 से 2 मिनट के लिए वापस छोड़ दीजिए। ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर, ये देखिए तेल अच्छे से इसका निचोड़ लें, जितना निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ो। अब इसको लेके आ जाइए यहाँ पे। अब ये देखिए इसको हम नाइफ से कट करेंगे बीच में से,
डिजाइनर जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो। ओ शेट, ये तो थोड़ा सा फट गया, बस कोई बात नहीं, हम नहीं खाना है। ये देखिए अंदर से हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है, वो देखिए पनीर भी दिख रहा है, फिलिंग भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो मन कर रहा अभी खा लूँ, बट थोड़ा चाय का वेट करेंगे, चाय तैयार हो रही है। इसको आप सर्व करें सॉस के साथ, चटनी के साथ, जैसे आपका मन करे उसको वैसे खाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फूडी रेस्लिन @ इंस्टाग्राम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ब्रेड पकौड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगी आपको वीडियो। एंड कोई सजेशंस हो आपके लिए कि हमें किस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप हमें जरूर बता सकते हैं एंड कमेंट डाउन बिलो। लो जी हमारी चाय भी उबलना स्टार्ट हो गई है, अब चाय जैसे ही रेडी होगी अब हम ब्रेड पकौड़ा उसके बाद खाएंगे। ब्रेड पकौड़ा चाय अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, सो यू ऑल्सो ट्राई।